कर्नाटक के 2,35,000 खानदानों को मकान दिया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत के 5 गारंटियों के बाद 2,35,000 खानदानों को छत देने की 6वीं गारंटी जारी की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर बराए हाउसिंग वक्फ माइनॉरिटीज जमीर अहमद खान ने चित्रदुर्गा में किया है। रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर पाशा के तहनीती इजलास के दौरान खिताब करते हुए चित्रदुर्गा में जमीर अहमद खान ने कहा कि पिछले चार सालों से एक भी मकान गरीबों को नहीं दिया है। जमीर अहमद खान ने कहा कि वक्फ महकमे की जानिब से हर असेंबली हलके में एक एक एम्बुलेंस, यानी 224 हलकों में 224 एम्बुलेंस वक्फ की जानिब से दी जाएगी। रियासती वजीर जमीर अहमद खान के चित्रदुर्गा दौरे के दौरान ज़िले के हुलालकरे, मुलकालमरू, हिरियूर, वसदुर्गा, चलीकरे में मस्जिद, शादी महल, कब्रिस्तान के लिए 7,14,00,000 रुपए के चेक कंसल्ट एमएलए के हवाले किए। इंतखाबात के दौरान किए गए वादे को पूरा करते हुए जमीर अहमद खान ने अपने जाती खर्च से जाती तौर पर 8,60,000 रुपए की मालियत के 2 एम्बुलेंस चित्रदुर्गा जामा मस्जिद और चलीकरे जामा मस्जिद को दिए। इस दौरे में जमीर अहमद खान ने चित्रदुर्गा के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया, साथ ही कोहिनूर शादी महल के तामीरी काम का इफ्तिताह भी अपने हाथों से किया। इस मौके पर अहमद शाह वली चिश्ती की दरगाह पहुंचकर चादर चढ़ाई। दुश्मनों के दुश्मनी से, फितीन के फितने से, जादूगरों की जादूगरी से, मकर फरेब से, बद नजरों से इनकी हिफाजत फरमा। लड़े लाओ साथ साथ।